यही आपसे कहना चाहती हूँ। तो मैं सॉरी दिल से मतलब बोलती हूँ, जो मैंने परसों वीडियो अपलोड की थी तो आपको मतलब अच्छी नहीं लगी हो मेरी शायद बातें, तो बस गुस्सा था, तो इसलिए मैंने कहा मेरी यूट्यूब फैमिली तो ऐसी नहीं है जो मुझे ऐसे कमेंट करेगी। क्यों? तो उनके घर पे खुद की बेटी होती है, माँ होती है, बहन होती है, ऐसे कोई भी नहीं करेगी। हमने उतार दिया है, ये देखें मोबाइल हमने रख दिए यहाँ पे, और सब्जियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। थोड़ी सी हमने क्रंची रखनी है तो गोभी भी इसके साथ ही डाल देंगे। ये बंद गोभी है, डिश आउट मैंने कर ली है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की, जिसने खानी है मस्त आके बैठो मैं खा सकता है। और गीत क्या कह रही है? बस उम्मीद करती आप सब ठीक हो, अगर खैरियत से होंगे आपके दोस्त मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे है बच्चा पार्टी लेटी हुई। हेलो, तो मैं आज बना रही हूँ मैक्रोनी पास्ता, जिसको बोलते हैं मैक्रोनी बोलते हैं मसाले वाली, वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर कढ़ाई रख दी है, पानी इसके अंदर डाला हुआ है। ये है जी मैक्रोनी, आधा किलो मैक्रोनी है। ये प्याज, टमाटर, बंद गोभी, और ये है जी मिर्ची, और ये गाजर, ठीक है, शिमला मिर्ची, गाजर, और ये नींबू, और यह है कीमा, ठीक है। तो तैयारी मैंने सारी कर ली है और अभी मैं आपके रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो जो मैंने परसों वीडियो डाली थी तो इसके गैस चली गई है, माय गॉड, ये देखे गैस चली गई है। अभी मैंने अभी वीडियो शुरू करने लगी थी और गैस चली गई है, इंतजार करते हैं। तो चले इंतज़ार करते हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ, तो मैं सॉरी दिल से मतलब बोलती हूँ, जो मैंने परसों वीडियो अपलोड की थी तो आपको मतलब अच्छी नहीं लगी हो मेरी शायद बातें, तो बस गुस्सा था तो इसलिए मैंने कर दी। तो कोई किसी की बेटी के बारे में या मेरे बारे में कोई मतलब बोले किसी के बारे में तो ऐसा ही सबको गुस्सा आता है, तो इसलिए मैंने भी गुस्से में ही वीडियो बना दी है। तो मुझे पता चल गया कौन करता है बैडमिंटन, होता है ऐसा, होता है फेक आईडी बनाकर यहाँ पे कोई मैसेज कर सकता है मुझे, और मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली तो ऐसी नहीं है जो मुझे ऐसे कमेंट करेगी। क्यों? तो उनके घर पे खुद की बेटी होती है, माँ होती है, बहन होती है, ऐसे कोई भी नहीं करेगी। ये आपने काफ़ी कमेंट आए थे, तो आंटी आप गुस्सा नहीं करो, हो सकता है किसी ने फेक आईडी बनाकर तो वहाँ से कमेंट किया हो, तो मुझे पता चल गया वो कौन है कौन नहीं, तो मेरी बला से मुझे गुस्सा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। आगे से ऐसी कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगी। तो आपने दुआ करनी है, यहाँ पर गैस चली गई है देखें, और भूख इतनी लगी हुई है, शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो बाहर से हम लोग खाना लेंगे, कोई हल्का फुल्का सा हम लोग घर पर बना लेते हैं, तो मगर गैस चली गई। तो चले कोई बात नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर में अभी। थैंक यू सो मच, आधे घंटे के बाद हमारी गैस फिर से आ चुकी है, और खुदा को भी पता है कि गैस चली गई है, और मैंने सारी तैयारी की हुई थी, ये देखे, और यहाँ पे पड़ा हुआ है सब कुछ। तो अभी मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी डाल देंगे, ताकि जो मैक्रोनी है हमारी वो चिपके नहीं, ऑयल जो है डालना बहुत जरूरी होता है, और थोड़ा सा डाल देंगे। एक मिनट, तो फटाफट हम लोग वही रेसिपी तैयार कर लेते हैं, गैस का कोई भरोसा नहीं है फिर से ना चला जाए। तो अभी तो आ चुका है इंशाल्लाह, फटाफट हम अपनी रेसिपी चले जी, तब तक हमारा पानी हो जाता है, फिर मिलते हैं आपसे। तो पानी हमारा हो चुका था, इसके अंदर मैंने पास्ता डाल दिया है, मैक्रोनी डाल दी है, पास्ता मैक्रोनी एक ही होता है, बार बार मैं आपको ये बताना, ये देखें डाल दिया, बस थोड़ा थोड़ा गैस आ रहा, दुआ करें बस बन जाए, ये देखें बहुत कम है बस, हमारा ये जो मैक्रोनी है ना ये बन जाए। तो चले अभी मैंने डाल दिया, ऊपर से हम लोग कवर कर देंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर जो है भाप बने वो बन जाए। फिर निकलते हैं, मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है, अभी हम लोग उतार देंगे। मैक्रोनी ज़्यादा है और बर्तन हमारा फिर भी छोटा पड़ गया है, अभी बर्तन बड़ा था, कढ़ाई बड़ी थी। अभी हम लोग जो है पानी उतार देंगे, तो पानी हमने उतार दिया है, ये देखें मोबाइल हमने रख दिए यहाँ पे, और अभी और डालें, बस ऑयल इसमें थोड़ा ही डक जाता है। हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसके साथ ही हम लोग ये कीमा भी डाल देंगे, ये मैंने
छोटा मोटा कीमा करवाया था, ये वाला डाल देंगे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अच्छे से फ्राई करके 4 से 5 मिनट में आपसे मिलते हैं। और चिकन फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन हरी मिर्ची के साथ, ठीक है। और ये मसाले हैं नमक, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी और कुटी हुई मिर्ची, ये वाले जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि ये साफ ना दिखे कढ़ाई के। इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई हमने कर लिया, साथ इसके टमाटर भी डाल देंगे। स्पाइसी हमने कम ही बनाना है, बच्चे भी खाते हैं फिर फ्रेंड्स भी नहीं खाते, इसलिए मैंने मसाले इसमें कम ही डाले हैं। तो 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिए टमाटर डाल के, अभी मैं ये डालूंगी प्याज भी। प्याज मुझे डालना जो है इसमें बहुत ऐसे बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, प्याज का जायका बहुत आता है, बहुत शौक से खाती हूँ। चलें 1 से 2 मिनट इसको भी फ्राई कर लें, फिर मिलते हैं आपसे। चलें जी 1 से 2 मिनट हो गए हैं प्याज को फ्राई करते हुए, अभी इसमें गाजर भी डाल देंगे और ये शिमला मिर्च ये भी डाल देंगे, शिमला मिर्ची और गाजर। और ये बंद गोभी जो है मैं आखिर में डालूंगी, ये जल्दी हो जाती है, इसको भी साइड में। ये मटर है मेरे पास, मटर भी मैंने उबाइल करके रख लिए थे, तो मटर आजकल थोड़े से हार्ड हो गए हैं, इसका जो मतलब सीज़न था वो जा रहा है इसलिए ये हार्ड हो गए हैं, तो इसको उबाइल करके फिर मैं इस्तेमाल कर लूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने सब्जियों को फ्राई किया है और मटर भी साथ डाल देंगे ताकि थोड़े से हार्ड भी हो तो इसके अंदर जो है वो पक जाए अच्छे से। ये भी साथ ही ना मिक्स कर दूंगी मैं, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, अभी मैंने ऐसे कोई भी मसाले नहीं डाले, घर के मसाले हैं फिर भी बहुत ज़बरदस्त। अभी ये डालना है, हाँ सॉसेस। तो चलें ये भी थोड़ा सा हो जाता है, फिर मिलते हैं आपसे 1 से 2 मिनट के बाद। सब्जियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, थोड़ी सी हमने क्रंची रखनी है तो गोभी भी इसके साथ ही डाल देंगे। ये बंद गोभी है, तो अभी हो रही है अजान, फिर मिलते हैं अजान के बाद। तो चलें अभी इसको मिक्स करके ऊपर से ढक देते हैं, फिर मिलते हैं अजान के बाद। चलें चलें जी ये देखें फ्राई हो चुका है अच्छे से। तो बर्तन मैंने चेंज कर लिया, वो बर्तन कढ़ाई जो थी वो छोटी थी इसलिए मैंने ये चेंज कर लिया, बड़ी देख रखी। तो सॉस डाल देंगे इसके अंदर, सिरका डाल दूंगी, ये डाल देंगे, ये मैंने डाल दिया। तो इसके साथ ही बिल्कुल हम ये मैक्रोनी भी डाल देंगे। ये देखें मैंने मिक्स कर ली है और माशाल्लाह से काफ़ी सारी है, और जिस जिसने खानी है वो आज हमारे साथ खा सकता है। और हमारी ये मैक्रोनी है वो मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है, ऊपर से हम लोग डालेंगे नींबू, ये 1.5 नींबू मैंने लिया है, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा, खट्टापन आ जाएगा, अच्छा लगेगा। नींबू भी डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, नीचे से चूल्हा जो हम लोग बंद कर देंगे, मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी तैयार है। और पीछे देख के बच्चों को दिखाएं ज़रा, बच्चों को बहुत पसंद है, बिल्कुल तैयार है। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार है, तो डिश आउट मैंने कर ली है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की, जिसने खानी है हमारे साथ आके बैठ तो मैं खा सकता है। और गीत क्या कह रही है, और गीत यहाँ पे लगी हुई है देखिए खाने के लिए, अच्छी बनी है कैसे बताओ ज़रा वीडियो में, अच्छी बनी है, अच्छी बनी। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर में। और आज हम लोग खाना वाना कुछ भी नहीं बना रहे, यही खाएंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादा बना लिए, और हमें सबको बहुत पसंद है, और जिसने खानी है वो आके हमारे साथ खा सकता है, ठीक है। तो आज की रेसिपी यहीं तक थी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़, बाय बाय।